चैनल मेरे चैनल शिखास किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों आज मैं आपके साथ भरवा मिर्च की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक बार आप इस मिर्च को बनाएंगे ना दोस्तों, तो बार बार आप बिल्कुल इसी तरह से इस मिर्च को बनाना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मोटी वाली पीली वाली मिर्च ली है, और अभी तो बारिश के सीज़न में बहुत ही आ रही है ये मिर्ची, और ज़रूर आप इसे बनाएं। और ख़ासकर जो मिर्ची के शौकीन हैं उन्हें तो ये मिर्ची बहुत ही पसंद आएगी। सभी मिर्च को मैंने धो लिया है, खूब अच्छा सूखा पोंछ लिया है, और अब आपको क्या करना है दोस्तों, चाकू की सहायता से बीच में एक कट लगाना है। यदि आपको बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च पसंद नहीं है तो बस इस तरह से चाकू की नोक की सहायता से आप ये जो सीड्स दिख रहे हैं आपको, ये आप हटा सकते हैं। और यदि थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं, अच्छी चटपटी मिर्च पसंद करते हैं, तो सीड्स ना निकालें। तो बस इसी तरह से सभी मिर्च में आपको कट लगाना है और इनके सीड्स को निकाल लेना, ताकि बहुत ज़्यादा तीखी ना रहे। वैसे भी मिर्च के बीज हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मिर्च के जो बीज होते हैं वो बहुत नुकसान करते हैं। और पर मिर्च तो खाने में सबको बड़ी अच्छी लगती है। तो बस सभी मिर्च में इसी तरह से कट लगाया है, और सभी के सीड्स मैंने थोड़े थोड़े अलग कर दिए हैं। तो ये मिर्ची तो दोस्तों कई तरह से बनाई जाती है। बहुत से लोग आलू की स्टफिंग करते हैं, और आज मैं जो आपको स्टफिंग बता रही हूँ वो बहुत ही अलग स्टफिंग है। और अब यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों 2 बड़े चम्मच बेसन। तो इसकी स्टफिंग के लिए जो हम बेसन ले रहे हैं दोस्तों, उसको सबसे पहले आपको ड्राई रोस्ट करना है। कोई तेल नहीं मिलाया है मैंने इसमें, सिर्फ सूखा ही। स्लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक आप इसे भून लें। तो बस बेसन अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसे मैं दूसरे बर्तन में खाली करूंगी और इस मिर्ची की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो ये देखिए एक कटोरे में निकाल लिया है मैंने इसे, और इसमें अब हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो लाल मिर्च कम डालें या फिर ना भी डालें, क्योंकि मिर्च भी अपने आप में तीखी होती है। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। खटाई के लिए आप चाहें तो 2 नींबू का रस भी डाल सकते हैं, या फिर अमचूर पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे अचार का तेल। दोस्तों इससे इसकी जो स्टफिंग बनेगी उसमें बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। आम के अचार का तेल है दोस्तों, वैसे भी हमारे यहाँ अचार में तेल थोड़ा ज़्यादा ही होता है, और उस तेल को यदि आप अचार के साथ नहीं खाते हैं तो इस तरह से आप उस तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु मान लीजिए अचार का तेल नहीं है आपके पास, तो आप सादा सरसों का तेल भी 2 चम्मच डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे 4 छोटी चम्मच दही। दही यहाँ पर मैंने बिल्कुल ताज़ा दही लिया है। इससे जो इसकी स्टफिंग बनती है बहुत ही अच्छी बनती है, इसकी स्टफिंग बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है। सभी चीज़ों को बढ़िया अच्छा मिक्स कर लें, और एक एक मिर्ची उठाते जाएं, और बढ़िया इसमें हम भरना शुरू करते हैं। तो अच्छा ज़्यादा करके हम सभी स्टफिंग को भरते जाएंगे, और सभी मिर्च को थोड़ा सा आप हाथों से दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि जब हम इसे थोड़ा फ्राई करें तो स्टफिंग खुलने ना पाए, निकलने ना पाए। और आप चाहें तो थोड़ा सा धागा भी लपेट सकते हैं, परंतु यदि आपके पास टाइम नहीं है तो बस आप मेरे जैसा ऐसे ही स्टफिंग भरें और हल्के हाथों से इसे दबा दें। इससे भी स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं निकलती है। तो सभी मिर्ची तैयार हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की ओर। और ये जो मसाला बचा है इसे भी अभी हम बाद में ऐड करेंगे। तो गैस के ऊपर दोस्तों मैंने कढ़ाई रख दिया है, और कढ़ाई में मैंने डाला है 2 चम्मच तेल, और इस तेल में हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच राई के दाने, और साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है कलौंजी, जिसे कि मंगरेल भी कहा जाता है, ब्लैक क्यूमिन सीड भी कहते हैं। वैसे भी दोस्तों हमें खाने में मंगरेल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है। और अब हम इसमें एक एक करके सभी मिर्च को इस तरह से अरेंज कर देंगे। मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, बहुत कम तेल के साथ ही हम इसे फ्राई कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत कम तेल मैंने डाला है। एक एक बार मिर्च को अच्छी तरह से हिला दें, गैस की फ्लेम स्लो है,
और अब हम इसे कवर करेंगे। और कवर करने के बाद दोस्तों मैंने इसमें डाल दिया 4 चम्मच पानी। आप सोच रहे होंगे पानी क्यों डाला, क्योंकि इस मिर्च में एक बार आप इस तरह से बना के देखें, जो पानी बढ़िया प्लेट में गर्म हो चुका है उसी पानी को मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है ताकि अच्छी तरह से भाप में पक जाए। हमारे यहाँ ज़्यादातर इस मिर्ची को बोला जाता है पानी वाली मिर्ची, तो बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों, तेल भी बहुत कम लगता है और इससे जो पानी डाला है दोस्तों अंदर तक ये पक जाती भपा जाती है, तो इसमें बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो एक एक बार इस मिर्च को हम पलट दें ताकि चारों तरफ से अच्छी सुनहरी हो जाए। आप चाहें तो चिमटे की सहायता से भी इसे पलट सकते हैं, यदि आपसे चम्मच से पलटते नहीं बन रहा होगा तो ये देखिए सभी मिर्च को जहां जहां मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कच्चापन है वहां वहां से मैं इसे पलटती जा रही हूं और बढ़िया अच्छा सुनहरा इसे हम फ्राई कर लेंगे। और ये जो मसाला हमारा बचा है ना दोस्तों, बेसन का मसाला, स्टफिंग का जो मसाला, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि मसाला भी अच्छी तरह से पक जाए। वैसे ये मिर्ची थोड़ी सी लटपटी ही अच्छी लगती है, आपको यदि सूखी पसंद है दोस्तों तो आप इसे सूखा भी रख सकते हैं, परंतु हमारे यहाँ इसे थोड़ा सा नरम नरम सा ही बनाया जाता है, तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं। तो फिर से ढक्कन में मैंने 2 चम्मच पानी डाला था और थोड़ा सा फिर से पानी इसमें मैंने डाला है ताकि बेसन जो मसाला स्टफिंग वो बिल्कुल नरम हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं मिर्ची चारों तरफ से बढ़िया सुनहरी हो गई है और जहाँ से भी आपको ऐसा लग रहा है कि हरापन है वहाँ से आप पलट दें और बढ़िया अच्छा उसे सुनहरा कर लें। तो अब ये हमारी पानी वाली भरमा हरी मिर्च बनकर बहुत तैयार है, जिसमें हमने बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया है और बहुत ही टेस्टी लगती है। रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, चावल दाल के साथ खाएं दोस्तों, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और जिन लोगों को हरी मिर्च पसंद है दोस्तों वो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगेगी। बिल्कुल अलग तरीके से हमने इसे बनाया है दोस्तों, तो ये देखिए एक एक करके सभी मिर्च आपको मैं दिखाती जा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। और इसकी जो स्टफिंग है दोस्तों इसे भी मैं बीच में डाल रही हूँ, थोड़ी सी लटपटी इसकी स्टफिंग भी खाते खाते जब मुंह में आती है तो बड़ी अच्छी लगती है। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।